Today we are going to discuss about the marker assisted selection. It's okay. Marker assisted selection means simple selection with the help of markers. यानी हम आज बात करेंगे marker assisted selection के बारे में, जिसमें marker का use किया जाता है. यानी जो simple selection process था, ये conventional का जो simple selection process है conventional breeding का, उसमें हम marker use करेंगे. ठीक है, नाम से ये स्पष्ट है, marker assisted selection. यानी एक ऐसा सिलेक्शन जिसमें मार्कर हेल्प करे, या फिर कह सकते हैं मार्कर का यूज हो उस सिलेक्शन में, उसको हम बोलते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन. इसको शॉर्ट में मास बोलते हैं. और एक और नाम है इसका, मार्कर एडेड सिलेक्शन. ओके, मार्कर एडेड सिलेक्शन कहिए या फिर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कहिए, दोनों चीज एक ही है. ओके, तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन सिंपली नाम से ही है, क्लियर है कि जिस भी सिलेक्शन में मार्कर यूज हो, जीन को डिटेक्ट करने में या फिर सिलेक्शन में, किसी भी कैरेक्टर के सिलेक्शन में, जीन के सिलेक्शन में मार्कर यूज होता है, उसको हम बोलेंगे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन. क्लियर है? अब देखिए, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का आइडिया कैसे आया कि हम मार्कर का भी यूज कर सकते हैं सिलेक्शन में. ये आइडिया आया 1923 में, जब एक साइंटिस्ट थे कार्ल सैक्स. 1923 कार्ल सैक्स ने एक लिंक्ड जीन ऑब्जर्व किया एज ए मार्कर. इन्होंने एक टारगेट जीन के साथ एक ऐसे जीन का एसोसिएशन रिपोर्ट किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो कि सिंपली इनहेरिटेड होता था और उसका कोई अपना इम्पैक्ट नहीं था, यानी उसका कोई नॉन फंक्शन नहीं था. ठीक है, जब ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने रिपोर्ट किया तो उसके वजह से लोगों के माइंड में एक आइडिया आया कि ये जो लिंक्ड जीन है, इसको हम एज ए मार्कर यूज कर सकते हैं उस जीन को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी स्टेज पे. यानी सिंपल, अगर कोई जीनोम है, ठीक है, क्रोमोजोम्स है, इस पे एक जीन है जिसको स्टडी करना है, एक कोई भी जीन हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा टारगेट जीन है. तो इन्होंने जब बीन्स का स्टडी किया, बीन्स फैसलस वुलगारिस के प्लांट पर, ये जब अपना जीनोमिक स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा जो टारगेट जीन है, इस जीन के साथ एक लिंक जीन है, ठीक है, ये जो जीन है ये सिंपली इसके साथ ही इनहेरिटेड होता है और इसका अपना कोई नॉन फंक्शन नहीं है. तो इन्होंने ये देखा, ये दोनों एसोसिएशन जो है, ये जीन इस जीन के डिटेक्शन में काम आ सकता है. यानी इस जीन को अगर हम इजीली टारगेट ना कर सके, इजीली इस जीन को ढूंढ ना सके, तो इसके साथ जो लिंक्ड जीन है, इसको एज ए मार्कर यूज करें और इसको हम ढूंढें बजाय इसके, यानी इसके डिटेक्शन के बजाय इसको डिटेक्ट करें, तो हमको इजीली मालूम पड़ेगा कि इसके साथ ये जो लिंक्ड जीन है ये है. यानी इसको हम ढूंढ लेंगे तो इसको भी ढूंढ लेंगे. कार्ल सैक्स रिपोर्टेड द एसोसिएशन ऑफ ए सिंपल इनहेरिटेड जेनेटिक मार्कर, सिंपल इनहेरिटेड जेनेटिक मार्कर विद ए क्वांटिटेटिव ट्रेट. यानी क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या है, जिनके बाद जो कोई ना कोई कैरेक्टर्स कैरी करता है. अब इस ट्रेट के साथ एक इन्होंने जीन का एसोसिएशन देखा, ठीक है. अब इस जीन को अगर हमको डिटेक्ट करना है, तो सिंपली ये जो इसके साथ लिंक्ड जीन है, जिसको हम जेनेटिक मार्कर बोल रहे हैं, इसको डिटेक्ट करिए, तो इसका डिटेक्शन क्लियर हो जाएगा. इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल है, बहुत क्लोज एग्जांपल है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे ये लिंक्ड जीन इसका लोकेशन बता सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है. आपके भी लाइफ में ऐसा कोई बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे इस टाइप के, ठीक है, बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई ऐसे कोई रिलेटिव होंगे जिनके लिए आप एज ए मार्कर होंगे या फिर वो आपके लिए एज ए मार्कर काम करते होंगे. जैसे अभी एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, मेरे एक नॉन पर्सन है जिनका नाम है विजय, ये महाशय, इनका कैरेक्टर ऐसा है कि इनके घर चले जाइए, इनको ढूंढिए, इनका कोई पता नहीं मिलेगा. घर पे कम लोग रहते हैं, घर हमेशा बंद ही रहता है, यानी घर पे इनका कोई
पता नहीं मिलेगा, मार्केट में चले जाए चौराहे पे उनका भी पता नहीं मिलेगा। इनका वर्किंग प्लेस है, टीचर है, वहाँ भी इनको पता करिए तो इनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होता है, कहाँ है इस समय। दो तीन जगह पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कब कहाँ पे जा रहे हैं इनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और इनके एक फ्रेंड है जिनका नाम है RD सिंह, इनका फार्म हाउस है जहाँ पे ये वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है, ये फार्म हाउस पे ये वीडियो शूट हो रहा है, ये हम लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच बाइंडिंग क्या है। अब विजय को अगर आप ढूंढें तो एग्जैक्ट लोकेशन इसका पता नहीं होगा, ठीक है। तो गांव के कुछ लोग अगर इनसे कोई वर्क है, इनसे कोई काम है विजय से, तो अब इनको ढूंढ ढूंढ के थक गए। अब इनको कन्फर्म हो गया है कि अब इनको ढूंढने से अच्छा है RD सिंह के पास चले जाएँ, क्योंकि RD सिंह के पास जाएंगे तो इनका एक कंफर्म लोकेशन होता है इनके पास, यानी विजय इस समय कहाँ होगा, पढ़ा रहा होगा क्लास में होगा, या कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा होगा, ठीक है, शेयर मार्केट से के काफ़ी दीवाने हैं। तो ये घर पे हैं या खेत में काम कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं, चौराहे पे हैं, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं RD सिंह। तब गाँव के कुछ लोग हैं जो विजय के घर जाने के बजाय या विजय को डायरेक्ट कॉल करने के बजाय डायरेक्ट RD सिंह से पूछ लेते हैं, RD सिंह के पास आ जाते हैं, इनसे संपर्क कर लेते हैं, ठीक है, इनके फार्म हाउस पर आ जाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली विजय का पता मिल जाता है। डायरेक्ट विजय को नहीं ढूंढ रहा है, ठीक है, ढूंढ किसको रहा है, RD सिंह को, लेकिन इनडायरेक्टली मेन एम क्या है, विजय को ढूंढना, क्लियर है। सेम ऐसे ही ये लिंक्ड मार्कर काम करता है, जैसे RD सिंह को आप ढूंढिए विजय का लोकेशन मिलेगा, वैसे ही ये मार्कर जीन को ढूंढिए जो लिंक्ड है, एज जीन को ढूंढिए इसका लोकेशन, ये इजीली अवेलेबल है, ये थोड़ा टफ है, जैसे ये इजीली मिल जाएंगे, ये थोड़ा इनका मिलना टफ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इस मार्कर को ढूंढ लेते हैं तो ये इससे लिंक्ड जीन जो हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेट है ये मिल जाएगा, क्लियर है। तो यही मार्कर का काम है सिंपल। अब इसी मार्कर के हेल्प से हम सिलेक्शन करेंगे कन्वेंशनल ब्रीडिंग में, सिंपल। इसके लिए हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसेस में सपोज के लिए किसी कैरेक्टर के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उस कैरेक्टर को पहले किसी दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। कोई मान लीजिए कैरेक्टर है सीड क्वालिटी, तो ये प्लांट ए में है, इसका प्लांट बी से क्रॉस कराते हैं। अब प्लांट बी में अगर ये सीड क्वालिटी जो है ट्रांसफ़र हो गया सीड क्वालिटी, तो इसका हम डिटेक्शन करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तभी तो आगे का प्रोसेस करेंगे, F2, F3, F4 जाएंगे पूरे के पूरे प्रोसेस में सिलेक्शन के लिए। तो ये हो गया F1, F1 में हमारा हेटेरोजाइगस बनेगा, F1 में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए F2 में हम सिलेक्शन करेंगे, किस बेस पे करेंगे, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में ये F2 पॉपुलेशन है। इस F1 के पूरे पॉपुलेशन को, सभी पॉपुलेशन को, जितने भी इसमें सीड होंगे सबका हम F2 लगाएंगे, ठीक है, और वेट करेंगे सीड फार्मेशन तक का, सीड बन जाए, सीड मैच्योर हो जाए, जो क्वालिटी हम सीड में देख रहे थे यहाँ वो क्वालिटी इसमें दिख रहा है, तो उस क्वालिटी को हम फिनोटिपिक बेस पे देखेंगे, ठीक है, विजुलाइज करेंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर F3 पॉपुलेशन में उसी सीड को लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसी सिलेक्शन के लिए हमको पूरा का पूरा पॉपुलेशन हैंडल करना पड़ा, पूरा ये पूरा क्रॉप सीजन वेट करना पड़ा, यानी जितना ये सीड फार्मेशन का जो स्टेज होता है 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, ठीक है, उतना हमको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। सेम यही प्रोसेस F3 में करेंगे, F2 के जितने भी सिलेक्टेड पॉपुलेशन है उसको ग्रो करेंगे, फिर वेट करेंगे सीड सेटिंग हो जाए, वो क्वालिटी हमको दिखने लगे, ठीक है। तो के बजाय इस सिलेक्शन के बजाय हम क्या करते हैं, इसमें मार्कर ऐड कर देते हैं, यानी मार्कर बेस्ड सिलेक्शन कर देते हैं। मार्कर मतलब कोई अलग से मार्कर ऐड नहीं करते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन प्रोसीजर ऐड करते हैं टू इनडायरेक्टली डिटेक्शन ऑफ टारगेट जीन, यानी हम टारगेट जीन को, जो ये सीड क्वालिटी वाला जीन है उसको डायरेक्टली नॉट डिटेक्ट करके इनडायरेक्टली डिटेक्ट करेंगे, कैसे, मॉलिकुलर मार्कर का यूज करेंगे, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन ब्रीडिंग का यूज करेंगे। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन ब्रीडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रोसीजर में ही मार्कर का यूज कर लेते हैं डिटेक्शन के लिए। अब देखिए यहाँ दो पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग और मॉलिकुलर ब्रीडिंग दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट है,
सिंपल कन्वेंशन का काम कर रहे थे, कन्वेंशन ब्रीडिंग में सेम प्रोसेस होता है, और इसमें हम मॉलिकुलर मार्कर के प्रोसीजर को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग और मॉलिकुलर ब्रीडिंग का कंबाइन प्रोडक्ट हो गया। सेकंड पॉइंट हमको क्या पता चला, ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ बीजे को नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। हम आरटी सिंह के थ्रू जा रहे हैं बीजे के पास, सेम ऐसे ही इस जीन को ढूंढना मुश्किल है, थोड़ा टफ है, तो हम इसके लिंक्ड जो मार्कर है उसके थ्रू जा रहे हैं। अब ये मार्कर जो है वो किसी प्रकार का हो सकता है, डोमिनेंट कोडोमिनेंट से, या फिर कुछ रिपीटेड सिक्वेंस हो सकते हैं, या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस होता है। ये जब हम मॉलिकुलर मार्कर पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा मार्कर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। मार्कर का नेचर क्या होता है, या फिर मार्कर सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस क्या होता है, रिपीटेड सिक्वेंस क्या होता है। ये जो मार्कर है ये नॉन कोडिंग सिक्वेंस होते हैं, इनका अपना कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, कोई नॉन फंक्शन नहीं होता है। ये पूरे जीनोम में कहीं ना कहीं पाए ही जाते हैं, ठीक है, और उस मार्कर के आसपास के जीन को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। तो दो चीज हमको पता चला, फर्स्ट ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग और मॉलिकुलर ब्रीडिंग का कंबाइंड प्रोडक्ट है, सेकंड ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मास इज ए कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर सकते हैं, जेनेटिक्स कर सकते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग और यू कैन से कन्वेंशनल जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यू कैन से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और यू कैन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर है, एक पॉइंट, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का कंबाइन प्रोडक्ट, यानी दोनों को कंबाइन करके मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर डन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज इनडायरेक्ट सिलेक्शन, इट इज इनडायरेक्ट सिलेक्शन, क्यों, बिकॉज इट अलाउ द सिलेक्शन ऑफ जीन दैट कंट्रोल द टारगेट जीन, आर यू कैन से द जीन ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रोल द जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, दो पॉइंट, ये तो इनडायरेक्ट सिलेक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली सिलेक्शन होता है, या फिर ऐसे जीन का सिलेक्शन करते हैं जिसका टारगेट जीन पे कंट्रोल होता है, यानी वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है, उसके साथ ही रिलेटेड होता है। टारगेट जीन को हम डायरेक्ट ना डिटेक्ट करके उसके साथ जो लिंक जीन है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बेस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगा मास का, मास इज ए इनडायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ टारगेट जीन, आर यू कैन से जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर आर यू कैन से जेनेटिक मार्कर। ओके, तो सिंपली मास क्या है, मास एक इनडायरेक्ट सिलेक्शन है जिसमें हम टारगेट जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को मार्कर के साथ के हेल्प से सिलेक्शन करते हैं। क्लियर है, अब हम इसके प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन के प्रोसेस को। ओके, सिंपल ही है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स है, सिलेक्शन मेथड्स है, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप सेलेक्ट करते हैं, यानी ये प्लांट हाइट इसका अच्छा है, हाइट जब आ जाएगा पूरा तभी तो सिलेक्ट करेंगे, अगर ईयर लेंथ सेलेक्ट करना है तो ईयर लेंथ हम देखेंगे फिर सिलेक्ट करेंगे। ईयर लेंथ के लिए हमको पूरा क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप वेट करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा ईयर लेंथ आ जाए, ईयर दिखने लगे, ठीक है। तो हम सीडलिंग लगाएंगे उसके बाद वेट करेंगे, लेकिन मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन में क्या है, सीडलिंग लगाएंगे हम उसके बाद क्रॉप की किसी भी स्टेज पे, चाहे सीडलिंग स्टेज पे जब उसके लीफ आ जाए, या किसी पार्ट से भी उसके डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम काम कर सकते हैं, या फिर उसके ट्रेनिंग स्टेज पे
या फिर सीड सेटिंग वाले स्टेज पे या मेच्योरिटी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल में क्या है, हमको वेट करना ही पड़ेगा वो जब तक कि वो जो हमारा टारगेट कैरेक्टर है वो दिखे ना, क्योंकि हम विजुलाइजेशन के बेस पे ही तो सिलेक्शन करेंगे फिनोटाइप के बेस पे। तो कन्वेंशनल में फिनोटाइप के बेस पे सिलेक्शन करते हैं, लेकिन मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन में हम उस कैरेक्टर के साथ क्या लिंक जीन देख लेते हैं, उसके साथ कौन सा मार्कर लिंक है। और ये पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है कि पूरे जीनोम में कौन सा मार्कर प्रेजेंट है। ये फिक्स नहीं है कि ये सारे मार्कर, या आरएफएलपी की बात करें तो उस क्रॉप में होगा, उस जीनोम में होगा, या फिर अगर एसएसटी की बात करें तो उसमें होगा, एसएनपी की बात करें तो उसमें होगा। अब ये देखते हैं कि उस क्रॉप में कौन सा जीन है, उस जो टारगेट जीन हमारा उस जीन के आसपास कौन सा जीन है, इट्स ओके। उस पर डिपेंड करता है कौन सा मॉलिकुलर मार्कर यूज होगा, इट्स ओके। तो इसके प्रोसेस के लिए हम देखते हैं, तो मास का प्रोसेस क्या होगा, ये हमारा कन्वेंशनल ब्रीडिंग का प्रोसेस है। यानी ए प्लांट में एक कैरेक्टर है इक्वालिटी, वो हमको ट्रांसफर करना है बी प्लांट में, तो हम क्रॉस कराएंगे, एफ वन मिलेगा, एफ वन के बाद एफ टू में हम इसको देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। यानी एफ टू में हमको ये सीड क्वालिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर दिखेगा तो उस प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इस वेटिंग के बजाय, यानी सीड सेटिंग तक वेट करने के बजाय, हम क्या करते हैं इसमें प्रोसेस ऐड करते हैं। प्रोसेस क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए F2 का पूरा पॉपुलेशन है, F2 का पॉपुलेशन है। अब इस पूरे पॉपुलेशन में से क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, लीफ सैंपलिंग, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहे कोई पार्ट्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लीफ के सैंपल से प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी इसका लीफ, इसका लीफ, इसका लीफ, इसका लीफ, ये सारे का लीफ हम ले लेंगे। तो फर्स्ट वर्क क्या क्या हुआ, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लीफ सैंपल। सेकेंड प्रोसेस क्या हो गया, यानी ये इस सभी प्लांट से जितने भी F2 पॉपुलेशन होंगे, जितने भी F1 के सीड होंगे जिनको हमने F2 में ग्रो कर दिया, उस सभी पूरे F2 पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, सीड सैंपल, ये लीफ सैंपल लेंगे। सेकेंड का डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए एक्सट्रैक्शन। लीफ सैंपल के लिए आप सिंपल टैग करते जाइए इस पे, प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। उसके बाद इससे सैंपल लीजिए, उस पर टैग करिए प्लांट वन का सैंपल है, प्लांट टू का सैंपल, प्लांट थ्री का है, प्लांट फोर का है, प्लांट फाइव का है, ठीक है। ये सैंपलिंग हो गया। उसके बाद डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए एक्सट्रैक्शन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम सेल पिलेट करके सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा सेल को पिलेट करते हैं, कुछ केमिकल ऐड करते हैं जिससे इसका डीएनए सेल से डीएनए बाहर आता है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद डीएनए बाहर आ गया, ठीक है, डीएनए मिल गया। अब इस डीएनए को दो तरीके से हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, एक तो पीसीआर के माध्यम से। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मार्कर यूज करना है, कौन सा मार्कर है उसमें, ठीक है। अगर पीसीआर मार्कर है तो ये पीसीआर का होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए के बहुत सारे कॉपीज मिनटों में तैयार कर दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन मेथड, यानी कुछ ऐसे मार्कर हैं जिनको हम पीसीआर के बेस पे डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो उसका बैंड तो बनेगा, ठीक है, लेकिन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोब के साथ उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव प्रोब होते हैं उसके साथ उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं, फिर वो एक्सरे फील्ड पे क्लियरली डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग सा ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग है जो नॉन पीसीआर मेथड्स है। ये एक पूरा मशीनरी प्रोसेस है, मशीन में ये आप डीएनए सैंपल डालेंगे, वो पूरा अपना ऑटोमेटिक करके दे देता है, ठीक है। इसका भी पीसीआर और ये हाइब्रिडाइजेशन मेथड, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग हम अलग से डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे सिंपल प्रोसेस देखिए, तो या तो पीसीआर करेंगे या तो हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइज विथ हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रो, ठीक है। अब चाहे पीसीआर करें या हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब करें, इन दोनों के बाद आपको करना है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमको बैंड्स मिलेंगे, ठीक है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो एक एग्रोस का प्लेट तैयार करते हैं, ठीक है, एग्रोस जेल का। इसका भी एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी
एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें एग्रो जेल का यूज करते हैं, उसको हीट करके लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, उसमें वेल क्रिएट करते हैं, उसमें डाई को लोड करते हैं, ये सब पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जब उसमें पीसीआर प्रोडक्ट को या एवरेज प्रोडक्ट को जब उसके वेल में लोड करेंगे तो क्या होता है कि फ्रेगमेंट के बेस पे वो माइग्रेट करता है नीचे की तरफ। यानी ये ऐसे होता है पूरा एग्रो जेल का ठोस एक होता है। ठीक है, इसमें एक वेल बने होते हैं। जब इस वेल में हम पीसीआर प्रोडक्ट को या फिर कह सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट को, डीएनए के फ्रेगमेंट को जब इसमें लोड करेंगे तो ये फ्रेगमेंट के बेस पे, यानी जो भारी फ्रेगमेंट होगा या फिर कह सकते जो लेंथ में अधिक है, वही सिंपल सी बात है भारी है, तो जो हल्का फ्रेगमेंट होगा डीएनए का वो माइग्रेट करके नीचे आ जाएगा, जो उससे हल्का जो उससे थोड़ा भारी होगा ऊपर होगा, सबसे भारी होगा जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो इसके फ्रेगमेंट के लेंथ पे यहाँ पे केबी में दिया होता है कितने केबी का कौन है, इस लेंथ के बीच में यहाँ पे एक बैंड बनता है छोटे छोटे। ठीक है, इस बैंड के बेस पे हम कंपेयर करते हैं, अभी बता रहे हैं कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद बैंड बनते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब एक हम सैंपल तैयार कर लेंगे। जैसे अगर प्लांट ए और प्लांट बी का जीनोम ले लेते हैं, ठीक है, इसका इस प्रोसेस से हम बैंडिंग तैयार करते हैं। मान लीजिए प्लांट ए का पूरा प्रोसेस किए तो हमको एक बैंड मिला, एक बैंडिंग का पैटर्न मिला है। ठीक है, और प्लांट बी का किए तो उसमें भी एक बैंडिंग का पैटर्न मिला, बिल्कुल आराम से समझिए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन के बहुत सारे टॉपिक जो है एक्सप्लेन नहीं है बुक में, इसके लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो कि जिससे कि क्लियर नहीं हो रहा कि क्या है ये मार्कर ऐड किया जाता है या मार्कर पार्ट ऑफ द जीनोम है, पार्ट ऑफ द डीएनए है। तभी यहाँ एक्सप्लेनेशन से एक बात तो क्लियर हो गया, जो मार्कर है ये हम कहीं बाहर से मार्कर ऐड नहीं कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ द डीएनए है। यानी जिस जीनोम का हम स्टडी कर रहे हैं उस जीनोम में जो टारगेट जीन है उसके आसपास का कोई सिक्वेंस है, चाहे रिपीटेड सिक्वेंस हो, चाहे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस हो, या फिर कोई भी सिक्वेंस हो, उसके बेस पे हम जो हमारा टारगेट जीन है उसको डिटेक्ट करेंगे दूसरे सिक्वेंस के बेस पे। ठीक है, तो ये ए की स्टडी का बैंड और ये बी की स्टडी का बैंड, मान लीजिए यहाँ पे बैंड ऐसे बनाया है। अब देखिए ये बैंड इसके सामने है, ये बैंड इसके सामने है, ये बैंड इसके सामने है, ये बैंड, यानी ये बैंड मैच कर रहा है इससे, लेकिन एक बैंड यहाँ मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो जीनोम में बिल्कुल सेम है सारे, ये नियर आइसोजेनिक लाइन है ए का, डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ सीड क्वालिटी वाला जो जीन है वही एक अधिक है ए पेरेंट में, और बी में वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक डिफरेंस बैंड आ रहा है। ये क्यों आ रहा है इसको भी थोड़ा समझिए। मान लीजिए ए के जीनोम है, ये ए का जीनोम है, इसके डीएनए को हमने अनबाइंड कर दिया है, डबल स्टैंड में आ गया है, और ये मान लीजिए बी का जीनोम है। ठीक है, अब इस पर कुछ बेस पेयर है, मान लीजिए ATACGATCCAGATSCCAG कुछ भी है रैंडम। ठीक है, अब सेम है यहाँ भी है ATACACGATCCAGATCCGA। ठीक है, अब सेम सीक्वेंस है, सेम इसमें भी है, दोनों के हुए दोनों के जीनोम सेम है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, इसमें एक जीन है जिसकी वजह से सीड क्वालिटी आ रहा है पेरेंट ए में, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे वो जीन है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आरएफएलपी का, आरएफएलपी का एग्जांपल ले लेते हैं। आरएफएलपी क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इस प्रकार के मार्कर के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को कट करता है फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर देता है, लेकिन इसकी क्वालिटी होती है, ये सीक्वेंस बेस्ड होता है, यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस बेस्ड ही होगा वो, इसको डालने से वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करेगा। जैसे मान लीजिए इस केस में एटी सीक्वेंस बेस्ड है कोई, यानी कोई एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो एटी सीक्वेंस बेस्ड है, यानी जहाँ पे ए और टी होंगे इन्हीं के बीच से कट करेगा। ठीक है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ भी डाइजेस्ट करते हैं, यहाँ भी करते हैं,
अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो ये एटी के जगह पर कट कर देगा, फिर यहाँ एटी के जगह पर कट कर देगा, इसमें करेंगे तो यहाँ एटी पे कट करेगा, फिर एटी पे कट करेगा और फिर एटी पे कट करेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितने फ्रेगमेंट बन रहे हैं, इधर भी है और इधर भी है, एक दो तीन, तीन फ्रेगमेंट, और यहाँ पे एक दो तीन चार फ्रेगमेंट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और भी इधर भी कट करेगा और इधर भी कट करेगा, पूरा सभी जीनोम में, पूरे जीनोम में जहाँ भी एटी सीक्वेंस हुआ वहाँ कट करेगा, ठीक है। बहुत सारे फ्रेगमेंट बनेंगे, डिफरेंसेस क्या होगा, आप देखिए ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ये सारे इक्वल होंगे इसके, लेकिन ये फ्रेगमेंट थोड़ा बड़ा है, ठीक है। जब ये फ्रेगमेंट बड़ा है तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो है वो अगर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जब वेल में हम लोड करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा वाला फ्रेगमेंट सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सबसे भारी होगा, ठीक है। बाकी के फ्रेगमेंट अपने वेट के अकॉर्डिंग माइग्रेट कर जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें ऐसा कोई फ्रेगमेंट नहीं है बी प्लांट्स में, ठीक है, बी के जीनोम में ऐसा कोई फ्रेगमेंट नहीं है, तो इसलिए सारे फ्रेगमेंट रेस्ट ऑफ फ्रेगमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग इसमें सारे के सारे माइग्रेट करेंगे, ठीक है। बेस के अकॉर्डिंग कितने के बी का है उसके अकॉर्डिंग ये सारे यहाँ पे डिपिक्टेड होंगे और बाकी यहाँ पे इसमें इस तरह से डिपिक्टेड होंगे, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या रहा है ये, यानी अब इसमें और इसमें हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं इस बैंड के अकॉर्डिंग कि जो ये ए है इसमें एक ऐसा फ्रेगमेंट है, एक ऐसा पार्ट है ये, जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है इस पूरे फ्रेगमेंट में जीन कहाँ है, लेकिन ये फ्रेगमेंट अगर जिस भी प्लांट्स में होगा, जिस भी प्लांट्स के जिस भी सैंपल में होगा, ये फ्रेगमेंट जिस भी सैंपल में होगा उस फ्रेगमेंट में हमारा सीड क्वालिटी वाला जीन है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट इस सीड क्वालिटी के जीन को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इस फ्रेगमेंट में यहाँ पे ये हमको नहीं पता है, ये जीन यहाँ पे है ये नहीं पता है, लेकिन ये पूरा फ्रेगमेंट टैग है, पूरा फ्रेगमेंट, ठीक है, इस पूरे फ्रेगमेंट में ये जीन है, ये क्लियर है, लेकिन इस पूरे फ्रेगमेंट में जीन कहाँ है ये क्लियर नहीं है, तो ये पूरे फ्रेगमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट अगर जिस भी सैंपल में डिटेक्ट होगा उस सैंपल में हमारा ये टारगेट जीन है, यानी हम इसको इनडायरेक्ट सिलेक्ट कर लिए। सेम ऐसे ही अगर किसी किसी जीन के जीन से लिंक्ड कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, कुछ सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, उसके बेस पे इसका डिटेक्शन होता है। अभी तो हम सिर्फ आरएफएलपी का एक एग्जांपल लेके ये प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये हमको एक सैंपल मिल गया, एक बेंडिंग पैटर्न मिल गया जिसमें ये जीन है। अब इससे कंपेयर करेंगे बाकी सारे हमारे सैंपल को, ये जितने भी सैंपल हैं, सैंपल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सैंपल है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पूरे सैंपल का भी हमें ये पूरा प्रोसेस किए, यानी पूरे सैंपल से हमने डीएनए निकाला, पीसीआर किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और हमको बैंड मिल गया। बैंड अगर मिला पूरे सैंपल का तो इस प्रकार का, एक 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये तुम्हारा सेम है, सेम जीनोम ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना। अब ये 2 में एक बैंड यहाँ बन रहा है, 4 में एक बैंड यहाँ मिल रहा है, 5 और 6 में भी मिल रहा है, 7 में नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस किए, ये ए का सैंपल है लीफ का, और ये सेकेंड वाले क्रॉप का है, ये थर्ड वाले क्रॉप का है, ये फोर्थ वाले क्रॉप का है, फिफ्थ वाले का है, ये सिक्स वाले का है। आप देखिए अब हम जब इस अपने सैंपल से जब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी हमको एक प्लांट ए का हमने सिक्वेंसिंग कर लिया है, बैंडिंग कर लिया, अब इस बैंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करेंगे, ये देखिए इससे मैच कौन कर रहा है, इससे मैच कर रहा है सैंपल 2, सैंपल 4, सैंपल 5 और सैंपल 6, यानी सैंपल 2 4 5 और 6 में ये सीड क्वालिटी का जीन प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा हैंडलिंग इजी हो गया, मान लीजिए 100 की संख्या में प्लांट्स हैं, वो टोटल हमने ये प्रोसेस कर लिया, उसमें से हमको
चार प्लांट्स में मिले जो ये सीड क्वालिटी जीन रखे हुए हैं, यानी उनमें वो फ्रेगमेंट मिला, ये लार्जर फ्रेगमेंट मिला जिसमें सीड क्वालिटी का जीन, ये सीड क्वालिटी का जीन अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, सारे को डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ क्या करेंगे 2, 4, 5, 6 सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको, इसको और इसको, बाकी को क्या करेंगे हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब हमको पूरे पॉपुलेशन को हैंडल नहीं करना है, सिर्फ इसको, इसको, इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी को आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब आगे सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि ये इसमें जीन है, आगे का प्रोसेस करेंगे तो उसमें भी जीन डिटेक्टिव होंगे। इसका एक राइस का एग्जांपल है, स्वर्णा और सबोन का, ठीक है। सबोन जीन एक ऐसे क्रॉप में था जो वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी सर्वाइव करता था, सबमर्जिंग कंडीशन में, यानी राइस का प्लांट्स पूरा का पूरा पानी में डूब गया हो तो भी वो सर्वाइव करता था। क्यों? क्योंकि उसमें सबोन जीन था। अब उस सबोन जीन को स्वर्णा में ट्रांसफर किया गया, उस सबोन जीन को जब ट्रांसफर किया गया तो उसके उसको डिटेक्ट करने के लिए सिंपल कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या करेंगे, जब हमारा फोन होगा उसके पूरे सीड को क्या करेंगे, ट्रेम उसको लगा के वाटर लॉगिंग कंडीशन में उसको डुबा देंगे पूरा। ये काम टफ है, अगर लैब में करते हैं तो भी उसको पूरा वाटर लॉग करना पड़ेगा, पूरा पूरा डुबा के उसको चेक करना पड़ेगा। और फील्ड में करते हैं तो फील्ड के साइड में इतना हमको बाउंड्री करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा प्लांट्स हमारा डूबा रहे, ठीक है। तो इसके लिए मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन द्वारा इसका सिलेक्शन हुआ है सबोन का। तो क्या किया गया, डुबा के ना देख के क्या किया गया, उसके लीफ के सैंपल को लेके मार्कर असिस्टेंट ब्रीडिंग द्वारा देख लिया गया कि सबोन जीन अवेलेबल है कि नहीं है। सबोन जीन डिटेक्ट हो रहा है, सिंपल हमारा जीन ट्रांसफर हो गया, उस पूरे वैरायटी को जहाँ भी चाहे लगा सकते हैं, सबमर्जिंग कंडीशन में वो सर्वाइवल होगा। लेकिन अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग से जाते तो टफ होता काम सिलेक्शन, तो उसको पूरा का पूरा डूबा के रखना पड़ता, ठीक है, पूरे क्रॉप सेशन तक उसके लिए पूरा वाटर मेंटेन करना पड़ता। तो मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन का एग्जाम्पल है सबोन जीन, ओके। तो मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन क्लियर है, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक हो तो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगे तो भी, अगर कोई कुछ समझ में ना आए तो भी।